कृष्णा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरे कृष्ण संगीता, आप सभी का कृष्णा भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दीपावली के चार दिन पूर्व पड़ने वाली इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पूर्णावतार कृष्ण जी के केशव रूप की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन भगवान केशव का संपूर्ण वस्तुओं से पूजन, नैवेद्य तथा आरती कर प्रसाद वितरण करें व ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वर्ष यानी 2021 रमा एकादशी 1 नवंबर सोमवार को पड़ रही है। रमा एकादशी व्रत कथा। एक समय मुचकुंद नाम का एक राजा था। वह बड़ा दानी और धर्मात्मा था। उसे एकादशी व्रत का पूरा विश्वास था। वह प्रत्येक एकादशी व्रत को करता था तथा उसके राज्य की प्रजा पर यह व्रत करने का नियम लागू था। उसके एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। वह भी पिता से ज़्यादा इस व्रत पर विश्वास करती थी। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। वह राजा मुचकुंद के साथ ही रहता था। एकादशी आने पर सभी ने व्रत किए। शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया, परंतु दुर्बल और क्षीण काय होने से भूख से व्याकुल हो मृत्यु को प्राप्त हो गया। इससे राजा, रानी और चंद्रभागा अत्यंत दुखी हुए। इधर शोभन को व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर स्थित देवनगरी में आवास मिला। वहां उसकी सेवा में रमादि अप्सराएं थी। अचानक एक दिन राजा मुचकुंद मंदराचल पर टहलते हुए पहुंचा तो वहां पर अपने दामाद को देखा और घर आकर सारा वृत्तांत पुत्री को बताया। चंद्रभागा भी समाचार पाकर पति के पास चली गई। दोनों सुख से पर्वत पर निवास करने लगे। रमा एकादशी व्रत कथा समाप्त। जय बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। धन्यवाद।